नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवोरिया न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में करीब 3 बजे सिद्धमुख नहर टूट गई। नहर में करीब 30 फीट चौड़ी दरार आ गई है। नहर टूटने की वजह से आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। खेतों में 3 से 4 फीट तक जल भराव हो गया है, जिससे खेतों में पककर तैयार धान की नरम फसल भी पानी में डूब गई है। वहीं मामले की सूचना देने के बाद भी वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा है। गांव के लोग अपने स्तर पर ही दरार को भरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से भी नहर के किनारे कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। गांव के लोगों ने इस मामले पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टूटी है ये 2.5 घंटे से ऊपर हो गया नहर टूटे हुए। तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब गांव वाले कार्रवाई करने लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई? कोई मदद नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। तो ये गांव के लोग लगे हुए हैं? गांव के लोग लगे हुए हैं कई साल से ही। नहर की जो पटड़ी बनी हुई इसकी कोई संभाल नहीं है, कोई बेलदार तक नहीं आता। ठीक है जी, ये सिद्धमुख नहर है ना? सिद्धमुख नहर है। कितना दरार है ये? 80 फुट दरार है। गोरखपुर गांव में सिद्धमुख नहर है, आज 3 बजे के करीब टूट चुकी है। ये प्रशासन की कमी रही है, सफाई के नाम पर ये पैसा गबन कर जाते हैं, कोई सफाई नहीं हो रही। सफाई न होने की वजह से सिद्धमुख नहर आज टूट चुकी है, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों की फसल बारिश के कारण भी पहले बर्बाद हो चुकी थी और ये समय समय पर टूटती रहती है। प्रशासन आंख मूंदे कागजों में लिपा पोती कर देता है, लेकिन आज अभी 3 बजे से गांव के किसान ही लगे हुए इसकी मरम्मत के लिए, लेकिन प्रशासन का ना कोई कर्मचारी अधिकारी कुछ नहीं आया है। फोन भी कई बार कर चुके हैं गांव वाले, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई मदद नहीं है। नहर का टूटना और सूचना के बाद भी किसी मदद का ना मिलना प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।